हेलो गाइस, आर एस एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। और आज हम वापस आ चुके हैं अपने इन्फिनिक्स GT20 प्रो के साथ। हो गया एक महीने से थोड़ा ऊपर, तो भाई इसका 1 month रिव्यू मैं आज करने जा रहा हूँ। तो भाई काफी मजा आने वाला है, पूरा हम लोग बात करने वाले जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को, और मैं अपना भी फीडबैक शेयर करूंगा। और भाई 100% रियल और जेन्युइन रिव्यू होने वाला है, क्योंकि भाई ये फोन मैंने खुद से खरीदा है, ना ही कोई स्पॉन्सर्ड है किसने दिया। तो भाई मैं आपको बिंदास इसका अच्छाई भी बताऊंगा, बुराई भी बताऊंगा वीडियो में। तो भाई पूरा वीडियो देखना, और मजा आया तो भाई जरूर से लाइक मारो, चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। अभी चलो गाइस फटाफट से इसका 1 month रिव्यू शुरू करते हैं। सो गाइस पहले बात करते हैं फोन के बारे में, क्या ये फोन 25,000 के नीचे आने वाला बेस्ट फोन है। तो भाई इसके साथ आपको पता ही है इसका राइवल कौन है, पोको X6 प्रो। तो भाई इन्फिनिक्स GT20 प्रो अराउंड 23K या कुछ या फिर 22K ऑफर में आ जाते हैं पूरा, और पोको X6 प्रो अगर आप देखोगे तो 24,000 के अराउंड है। तो भाई आजू बाजू ये प्राइस। लेकिन गाइस आप लोग को एक चीज याद रखना है कि पोको X6 प्रो जो है वो 6 महीने के ऊपर हो गया है फोन को आते हुए, तो भाई उसमें थोड़ा आपको डिग्रेड देखने मिल जाएगा, वेरेज ये ब्रांड न्यू है, फ्रेश है। तो भाई उसका भी मैं बोलने वाला हूँ और इसका भी अच्छा है बोलने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि उसका बुरा करने वाला हूँ। भाई जो है वो है, जिसको लुक्स डिजाइन और भाई गेमिंग फील चाहिए आप लोग ये फोन लो, और जिसको ओनली गेमिंग चाहिए आप लोग पोको X6 प्रो भी ले सकते हो। तो भाई अभी डिस्कस करते हैं कि आपको ये फोन सिर्फ गेमिंग के लिए बाय करना चाहिए या नहीं। तो भाई आपको सीधा सीधा बोल देता हूँ कि ये गेमिंग के लिए नो डाउट काफी बढ़िया है। ये फोन 22-23 हज़ार में काफी अच्छा स्टैंड आउट करता है, 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर देखने मिल जाता है, और भाई इसका बैकअप भी काफी बढ़िया है। काफी लोग को बैकअप रिलेटेड भी इश्यू है तो उस पर बात करेंगे। भाई गेमिंग इसमें चलता है पूरा 90 FPS में BGMI में, और पबजी में चलता है 120 FPS पे। तो भाई उससे ऊपर क्या लोगे 25,000 में, 23,000 में, क्योंकि मैंने इसे 23,000 में लिया, अभी शायद 22,000 में मिल रहा होगा सेल में। पर भाई इसका किट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अश्योरिटी नहीं है, कुछ कुछ को मिल रहा है, कुछ लोग को नहीं मिल रहा है, तो भाई वो कंफर्म भी नहीं बता सकते। वापस आते पॉइंट पे कि गेमिंग के लिए आपको लेना चाहिए कि नहीं। लो भाई ये गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है और आगे भी काफी बढ़िया रहेगा। पोको X6 प्रो एक एंड पे आप लोग देख सकते हो कि उससे बस आप गेमिंग कर सकते हो, उसका कैमरा भी एवरेज है और उसका गेमिंग ही अच्छा है, उसका लुक्स भी एवरेज है, मेरे को इतना अच्छा है लगता है। इसका लुक्स भी बढ़िया है, गेमिंग भी बढ़िया है, और प्लस इसका कैमरा भी काफी बढ़िया है। आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिल जाता है और काफी डिसेंट फोटो निकाल देता है, ऐसा नहीं कि खराब है, बहुत अच्छा फोटो निकाल देता है। मैंने खुद से ट्राई किया, मेरे पास आईफोन भी है और ये फोन भी है, तो भाई इसका फोटोज भी काफी डिसेंट देखने मिल जाता है। तो भाई आपको सीधा सीधा दिखा देता हूँ कि मुझे कितना बैटरी बैकअप देखने मिल जाता है, क्योंकि भाई मैं इसको एक महीने से ना प्रॉपर यूज कर रहा हूँ, और भाई लास्ट वीक तो मैं ज्यादा गौर दे रहा हूँ बैटरी के ऊपर, क्योंकि मैं नीचे कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ कि बहुत लोग को हीटिंग इशू आ रहा है और दूसरा बैटरी का इशू आ रहा है। तो भाई मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि क्या सिस्टम है भाई बैटरी का, आपको सीधा सीधा आप लोग प्रूफ ही दिखा देते हो। सबसे पहले गाइस बैटरी मैनेजमेंट में जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अभी गाइस आप लोग देख सकते हो 15% अभी भी बैटरी है, ठीक है, और मैंने जियो का 5G सिम ही डाला है, और यहाँ पे बैटरी यूसेज देख लो भाई कितना मेरे को अभी तक बैटरी यूसेज आ गया, देखो 9 hours 31 minutes, इससे ज्यादा ही होगा, थोड़ा कैलकुलेट नहीं हुआ होगा। तो भाई इसमें मैंने काफी हैवी यूज भी किया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऐप, व्हाट्सएप और वो सब मैंने चलाया, गेमिंग इसमें नहीं किया। तो भाई अगर गेमिंग में ओनली गेमिंग करूँ ना, आपको स्ट्रेट स्ट्रेट बोल दूं कि 5-5.5 घंटा बैकअप पूरा देखने मिल जाता है। और अगर आप लोग यूट्यूब, इंस्टा या कोई एप्स या शॉर्ट्स कुछ भी आप लोग देखोगे तो आप लोग को देखने मिला 9-10 घंटा आराम से बैकअप देखने मिल जाता है। भाई मेरे को भाई काफी बार 11-12 घंटा भी बैकअप देखने मिला है। आपको गाइस अभी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, यहाँ पे गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट देखोगे तो भाई एक दिन को मेरे को 9 hours 45 minutes मिला है, दूसरे दिन को मेरे को 11.5 घंटा का बैकअप मिला, और आप लोग देख सकते हो भाई मैक्सिमम यूजिंग क्या है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इधर भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और यहाँ पे भी आप लोग देखो तो 8 घंटा, और आज मेरे को 9.5 घंटा। तो भाई ऐसा रहता है कि अगर मैं गेमिंग करता हूँ बीच में तो थोड़ा बैकअप कम हो जाता है, लेकिन मैं गेमिंग नहीं करता हूँ, गेमिंग आईफोन में करो, और अगर इसमें यूट्यूब, इंस्टा, कुछ भी मतलब जो आप लोग यूज करते हो डेली लाइफ में वो यूज करो तो भाई बैटरी काफी लंबा चलता है। और सबसे पहली बात, आपको हमेशा आपका नेट बंद रखना है, इंटरनेट जब फोन को आइडल छोड़ते हो इंटरनेट बंद कर लो, क्योंकि उससे भी काफी हैवी बैटरी ड्रॉप होता है, क्योंकि भाई हैंडसेट है 5G+, इसमें 5G+ आते हैं, तो भाई वो भी काफी बैटरी को ड्रॉप करता है। और एक और चीज, आपको अपना जो रिफ्रेश रेट है 120 Hz पे रख देना है, मैं भी 120 Hz पे रखता हूँ, 144 Hz पे एक्सट्रीम वो ड्रॉप करता है। और भाई जब मैं BGMI खेलता हूँ तो भाई मेरे को 5-5.5 घंटा पूरा बैकअप देखने मिल जाता है अगर कंटिन्यूस खेलूं मैं। अगर गाइस आप लोग 2 घंटा BGMI खेलोगे फिर यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा वो सब यूज करोगे तो भाई आराम से आपका चलेगा 8-9 घंटा बैटरी आराम से चलेगा, मैं बता रहा हूँ। आप लोग ट्राई करो 2 घंटा गेम खेलो, उसके बाद बैटरी को थोड़ा कूल होने दो। बहुत लोग को हीटिंग इश्यूज भी आ रहे हैं, भाई मेरे को इसमें अभी तक हीटिंग
इशू नहीं है अगर मैं आपको सच सच बताऊं। हार्डली भाई थोड़ा वार्म हो जाता है लेकिन हीट बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई मैं क्या करता हूँ डेढ़ दो घंटा मैं बीजीएमआई में खेल लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ गेम, आधा घंटा 40 मिनट। फोन को आप लोग को रेस्ट लेने देना है, अगर बैटरी हीट होगा, एक्सट्रीम हीट होगा, एक्सट्रीम ड्रेन भी होगा, प्लस काफी हीटिंग भी आएगा, तो भाई थोड़ा आधा घंटा 40 मिनट ब्रेक दो, दो घंटे के बाद गेम में यूट्यूब इंस्टा कुछ भी चला लो, ऐसा नहीं कि फोन छोड़ दो साइड में, फोन को नॉर्मल दो, वापस गेम करो और फिर आप लोग देखो वापस एक घंटा डेढ़ घंटा गेमिंग करो। गाइस आपको बैकअप काफी बढ़िया देखने मिल जाएगा बैटरी का, क्योंकि वैसे काम करते हैं भाई, अगर बैटरी ज्यादा हीट हो जाता है तो जल्दी ड्रेन होगा, वो अल्टीमेट लॉजिक है। ये चीज गाइस मैंने काफी ऑब्जर्व किया है अपना एक महीने के यूसेज में, और भाई ये फोन ना भाई आउटस्टैंडिंग लगा मेरे को, काफी बढ़िया अपग्रेड है मेरे लास्ट फोन से जो कि रेडमी नोट 9 प्रो था, ये आपको देखने मिल जाता है ये वाला फोन। तो भाई ये काफी अच्छा अपग्रेड है, 120 हर्ट्ज और इसमें गेमिंग भी बढ़िया चलता है। इसका भाई कैमरा के ऊपर आ जाते हैं, कैमरा भाई इसका काफी डिसेंट है, ऐसा नहीं कि इसका कैमरा खराब है भाई, कैमरा बहुत अच्छा है। इसके कैमरे से मैंने फोटोज भी निकाला है, वीडियो भी निकाला है, और भाई मैंने सेल्फी भी निकाला है। इसका सेल्फी कैमरा भाई काफी स्ट्रॉन्ग है, 32 मेगापिक्सल का देखने मिल जाता है, और भाई कैमरा भी इसका काफी डिसेंट है, मतलब अराउंड 18-20 हजार के फोन आते हैं ना वैसा कैमरा है इसका, ठीक है। एकदम ही नेक्स्ट लेवल आउटपुट आप लोग मानो मत, क्योंकि ये पूरा सेंटर्ड है गेमिंग की तरफ। और भाई मैंने आपका क्वेश्चन तो आंसर कर दिया, हीटिंग इशू के रिलेटेड, बैटरी यूसेज के रिलेटेड पूरा एक्सप्लेन कर दिया अंदर बाहर, और भाई अगर आपको गेमिंग के लिए लेना चाहिए वो भी आपको बोल दिया 100% लोग गेमिंग के लिए, आप लोग बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। और भाई बात करते हैं इन्फिनिक्स वर्सेस पोको X6 प्रो। भाई काफी लोग का सवाल है इन्फिनिक्स G20 प्रो ले या पोको X6 प्रो ले, भाई आप लोग का मर्जी, आप लोग कोई भी फोन उठा सकते हो, लेकिन मेरा वही कहना है कि पोको X6 प्रो ऑलरेडी 6-7 महीना हो गया, और प्लस उसका लुक्स भी इतना कुछ खास बढ़िया नहीं है, पर उसका गेमिंग परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो फोन में भी काफी हाई हीटिंग इश्यूज है, इसमें उतना दिखा नहीं है, और उसमें फटने का भी डर है जो इसमें अभी तक हुआ नहीं है। भाई आप लोग अगर सेफर साइड और काफी एक अच्छा फोन चाहते हो तो आप लोग ये ले सकते हो, लेकिन आपको रिस्क है कुछ लेना है, आप लोग पोको में ज्यादा आप लोग बिलीव रखते हो तो आप लोग पोको भी ले सकते हो X6 प्रो, वो लेकिन 6 महीना ओल्ड हैंडसेट है, तो आपको वैसे परफॉर्मेंस आपको एक्सपेक्ट करना है। सो आपको गेमिंग के लिए चाहिए या फिर ओवरऑल आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए जिसमें आप इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गेमिंग, कैमरा, फोटो सब कुछ करोगे, तो भाई आपको इन्फिनिक्स GT20 प्रो लेना चाहिए, काफी वैल्यू फॉर मनी फोन है। मेरे को तो भाई काफी अच्छा लगा, ये मेरा 1 मंथ रिव्यू के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और भाई इसमें गेमिंग भी काफी मक्खन चलता है, कोई भी मेरे को अभी तक बग्स या कुछ मेरे को देखने नहीं मिला। और भाई इसका मेन हाईलाइट जो है ना पोको से मेन कंपेरिजन है कि इसका OS सॉफ्टवेयर भाई काफी स्मूथ है, और एक भी ब्लोटवेयर कुछ भी नहीं देखने मिलता, प्योर आपको OS देखने मिल जाता है, और 2+3S का सबको आपको अपडेट देखने मिल जाता है, तो भाई वो काफी बढ़िया लगा। कोई भी एड्स ये वो, क्योंकि भाई हमने 24-25 हजार का फोन लिया, भाई ऐड तो नहीं चाहिए हमें, उसमें बहुत ज्यादा देखने मिल जाता है, आपको पता ही है MI पोको का क्या सिस्टम है। तो भाई यही था भाई आज के वीडियो के लिए, और अगर आप लोग मेरे को कंक्लूजन पूछोगे कि हमें लेना चाहिए क्या नहीं, यस गाइस जरूर लो इन्फिनिक्स G20 प्रो, और आपको कुछ भी अभी प्रॉब्लम आ रहा है मैंने आपको सबको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रहा है तो भाई जरूर मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं आपको आंसर भी कर दूंगा, और मैं अगला वीडियो उस पर ट्राई भी करूंगा बनाने। और भाई नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इसका 120 FPS का पबजी में कैसे परफॉर्म करता है, तो भाई वो भी वीडियो देखना है, तो भाई जरूर से लाइक मारो, और भाई चैनल पर नया तो भाई जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।